स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत बुधवार को जिला महिला चिकित्सालय के स्टाफ नर्सों ने रंगोली बनाकर स्वच्छता संबंधित जन जागरूकता संदेश दिया। अस्पताल परिसर में 3 स्टाफ नर्स सरोज, अंकिता, शशिकला और अधिवक्ता ललिता ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और सेफ्टी से संबंधित जागरूकता रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर मंजरी टंडन, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीना त्रिपाठी, हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर कमलेश, हेल्प डेस्क मैनेजर अमरनाथ जायसवाल, स्टाफ रामराज नागर, उदय यादव, अग्नेश सहित जिला महिला चिकित्सालय के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, स्वच्छता अभियान में जो चलाया जा रहा है 15 दिन का, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, इस बीच में प्रतिदिन कुछ न कुछ हम लोग के यहाँ चिकित्सालय के कर्मचारी लोग कोई न कोई कार्य कर रहे हैं। इसमें आज हम लोगों के यहाँ रंगोली का वो प्रोग्राम दिया गया था, जिसमें हमारी महिला स्टाफों ने बहुत अच्छी रंगोली बनाई है, जिसमें कि ये मतलब वो दिया गया है, मतलब इससे प्रेरणा देने की कोशिश की गई है कि जिससे कि हरियाली बना को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और गंदगी को साफ किया जाए, ये एक निर्देश दिया गया है।